इस देश की दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। इस देश के दो हाथ हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। इस देश के दो पैर हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। क्या एक को आप छोड़कर राज कर सकते हैं? इस देश की सालमियत को बरकरार रख सकते हैं? इस देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखा जा सकता है? अगर आपने मुसलमानों को दरकिनार करके सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा लेकर आप चले, तो आप एक आंख फोड़ रहे हैं इस देश की। और एक आंख फोड़ दोगे तो माफ कीजिएगा, देश में आप सुकून पा सकते हो, लेकिन पूरी दुनिया इस भारत को काना कहेगी। देखने वाला इस देश को काना कहेगा। मुसलमानों को अलग करके हिंदुत्व के एजेंडे पर काम करके अगर आप जीना चाहते हो, तो एक हाथ तोड़ रहे हो उस देश का, और एक हाथ तोड़ दोगे तो पूरी दुनिया इस भारत को लूला कहेगी। एक पैर को तोड़ रहे हैं आप हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चलकर, मुसलमानों को एक किनारे करकर आप इस देश का एक पैर तोड़ रहे हैं, और एक पैर तोड़ोगे तो पूरी दुनिया भारत को लूला कहेगी, लंगड़ा कहेगी। इस बात पर हमारे हिंदू भाई खुश ना हो, बहुत अच्छा लीडर मिला है हमें, बहुत बरसों बाद और सालों के बाद एक ऐसा आदमी आया है। माफ कीजिएगा, मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ रोना रोया जाता है स्टेज पे बैठ के, मुसलमान 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 मुसलमानों के साथ। अल्लाह की कसम, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, मैं कुरान उठाकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ इस बात पर, मोदी जी के ज़माने में मुसलमान सोच रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है, मुसलमानों को ज़र्रा बराबर नुकसान नहीं हो रहा है। जितना नुकसान मोदी हिंदुओं का कर रहा है, उतना मुसलमानों का नहीं कर रहा है। लेकिन अंध भक्ति की अभी मोहर लगी हुई है दिमागों पर। मैं अपने जलसे में मुसलमानों को क्या क्या फायदा पहुंच रहा है, मैं अपने जलसे में ये बात बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि चैनल वाले फौरन यूट्यूब पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डलते ही सब सतर्क हो जाते हैं एकदम, ऐसा ना हो कि हम फायदे गिनाने लगें और कल से वो फायदे फिर बंद कर दिए जाएं।